Hey everyone, welcome back to my channel. Meenakshi here. I hope you guys are doing great. Diwali बहुत पास आ गई है, तो I thought of sharing this video with you guys. तो जैसे कि आपने title में पढ़ लिया है, आज के video में मैं आपके साथ share करने वाली हूँ एक basic, elegant, simple, easy to do and very beginners friendly makeup tutorial for Diwali. So basically कई लोगों को बहुत ज़्यादा तामझाम के साथ decked up होना पसंद नहीं होता दिवाली पे. कई लोग they like to keep it you know simple, classy and yet elegant. So उन लोगों के लिए और साथ में उन लोगों के लिए जिन्हें बहुत ज़्यादा टेक्निकल और कॉम्प्लेक्स चीज़ें पसंद नहीं है मेकअप में, जो नए नए बिगिनर्स हो गए, जो चाहते हैं कि मिनिमलिस्टिक एफर्ट्स डाल के भी उनको एक अच्छा सा पुट टुगेदर लुक अचीव हो जाए, उनके लिए मैंने काफ़ी सिंपल से स्टेप्स रखे हैं इस वीडियो में कि आप भी देख के आपको लग सकता है कि आप भी ये कर सकते हैं बहुत आराम से. तो इफ यू वॉन्ट टू नो हाउ आई हैव क्रिएटेड दिस देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एक अच्छे प्राइमर से. मैं यूज़ कर रही हूँ कलरबार का परफेक्ट मैच प्राइमर. ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, लेकिन आप कोई भी प्राइमर यूज़ कर सकते हैं. नहीं है अगर आपके पास तो आप एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं. कम से कम इसको लगाने के 30 सेकंड बाद ही आप अपना मेकअप शुरू करें. ये आपके मेकअप को एक क्लीन बेस देगा, आपके स्किन से कोई भी अनइवननेस को रिमूव करेगा और मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाएगा. मूविंग ऑन टू द फाउंडेशन, आप बीबी क्रीम भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप लिक्विड फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं मेरी तरह, जैसे कि मैं यूज़ कर रही हूँ फिटमी का मैट पोरलेस 115 आइवरी, तो पहले मैं उसको अपने पाम्स के बीच में ऐसे रब करके थोड़ा वार्म अप कर लेती हूँ. फिर इस तरह बैक ऑफ द पाम पे लेके उसको डॉट डॉट करते हुए अपने पूरे फेस पे लगा लेना है. उसके बाद मैं यूज़ करूँगी एक रेगुलर बफिंग ब्रश. अगर आप ब्यूटी स्पॉन्जेस यूज़ करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं. पहले मैं पूरे प्रोडक्ट को अपने फेस पे एक बार स्प्रेड कर लेती हूँ. आप देख सकते हैं मैं किसी भी एक एरिया को पहले परफेक्टली फिनिश नहीं कर रही हूँ, पहले मैं प्रोडक्ट को स्प्रेड कर रही हूँ ताकि वो एक जगह सिट थ्रू होके ऐसे ड्राई ना हो जाए, सूख ना जाए और बाद में मुझे उसको ब्लेंड करने में परेशानी ना हो. उसके बाद मैं पूरे फेस पे इसको इवनली ब्लेंड कर लूंगी. फिर मैं यूज कर रही हूं मेरा ऑल टाइम फेवरेट मेबेलिन का एज रिवाइंड कंसीलर, और मैं इतनी सैड इसलिए हूं बिकॉज ये खत्म होने वाला है. उसके बाद मैं इसको यूज करूंगी मेरे चेहरे पे कोई भी तरीके के जो डार्क स्पॉट्स हैं, ब्लेमिशेस हैं, उनको हाइड करने के लिए, जैसे नोज के अराउंड, लिप्स के अराउंड, कोई एक्ने के स्कार्स हैं, अंडर आई सर्कल्स हैं, हर जगह इसको लगा लूंगी. और फिर एक स्टिफ सी पॉइंटी ब्रश से मैं इसको स्प्रेड कर रही हूं. पॉइंटी और स्टिफ ब्रश इसलिए ताकि इसको मैं बफ नहीं करूं, और इसी तरह जहाँ पे मेरा कंसीलर है आप देख सकते हैं मैं सिर्फ इसको वहीं पर प्रेस कर रही हूँ ताकि वो यू नो क्रीज अवे नहीं कर जाए, फैले नहीं, उसी जगह पे बैठ जाए. उसके बाद बारी आती है आई मेकअप के लिए, जिसके लिए मैं एक रेगुलर ब्लेंडिंग ब्रश ले रही हूँ. और मेरे आई शेडो पैलेट में जो सबसे लाइट क्रीमीएस्ट ब्राउन कलर का शेड है उसको मैं मेरे यहाँ पर क्रीज लाइन पर लगा रही हूँ और हल्का सा उससे ऊपर ट्रांजिशन इफेक्ट देने के लिए. नाउ ऑल दिस जस्ट साउंड्स टू टेक्निकल. इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि जब आप इसे इस एरिया पर लगाते हैं जहाँ पर आपकी क्रीज है, यानी कि जब आप आईज ओपन या क्लोज करेंगे तो आपकी आई शेडो का इफेक्ट अच्छे से नजर आएगा. बस यही इसका पर्पज़ होता है. उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ये गोल्डन ग्लिटरिश सा कलर, क्योंकि ये हर कम्प्लेक्शन पे जाता है और लाइट या डार्क कलर जो भी कलर का कपड़ा आपने पहना होगा दोनों पे ये मैच करेगा. और इस तरह मैं इसको फिंगर से लेते हुए लगा रही हूँ ताकि इसका पिगमेंटेशन मुझे अच्छे से मिले. ब्रशेस से जनरली ग्लिटर पिगमेंट्स अच्छे से पिक नहीं हो पाते हैं. और मैं इसको पूरी आईलिड्स पे लगा रही हूँ और थोड़ा बहुत इनर कॉर्नर तक भी जाने दे रही हूँ ताकि मेरे इनर कॉर्नर्स भी इसी से हाईलाइट हो जाएँ. दोनों आईज़ पे ये हो जाने के बाद फिर मैं मेरे आई शेडो पैलेट में से ये ब्राउन कलर ले रही हूँ और इसको मैं हल्का सा मेरी लोअर वाटर लैश लाइन पे बस इस तरह से लगा रही हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं. थोड़ा सा डायमेंशन आईज़ में ऐड करने के लिए ऑप्शनल स्टेप है, आप हटा भी सकते हैं. ये लगाने से क्या होगा, अगर आपके डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा डार्क हैं और आप काजल वगैरह स्किप करना चाहते हैं तो आप इसको थोड़ा सा लगा के उसके ऊपर मस्कारा लगा सकते हैं विदाउट हैविंग टू अप्लाई काजल, तो आपकी आईज़ में थोड़ी सी डायमेंशन और डेफिनेशन ऐड हो जाती है. जो भी रेस्ट यू नो रेसिड्यू होगा इस ब्रश पे उसी को यूज़ करूँगी मैं अपने एजेस को क्लीन करने के लिए और अपनी क्रीज लाइन को वापस फिनिश करने के लिए. उसके बाद आप ब्लैक या ग्रीन कोई भी जो आपके कलर, फॉर एग्जांपल ब्लू होता तो मैं ब्लू लेती, आपकी मर्जी, आप कोई भी लाइनर यूज़ कर सकते हैं. मैं ग्रीन कलर का आईलाइनर ले रही हूँ क्योंकि मेरे पास था, मेरा जो आउटफिट है उस पर बनारसी ग्रीन कलर का दुपट्टा है तो उससे मैच करने के लिए मैं इस कलर का लाइनर लगा रही हूँ. आप ऑब्वियसली ब्लैक भी लगा सकते हैं या जो भी आप चाहें. अगर आप कंफर्टेबल हैं यू नो कई लोग कंफर्टेबल नहीं होते कि ब्लू ग्रीन इस तरह के ग्लिटर आई शेडो पूरी आईलिड्स पे लगाने के लिए, इसलिए मैंने बेस आई शेडो रखी है गोल्डन ताकि वो एक कंजर्वेटिव अप्रोच है. और उसके बाद एज थोड़ा सा एक टिंज ऑफ ग्रीन देने के लिए बस मैंने यहाँ पर आईलाइनर यूज़ किया है ताकि थोड़ा सा मेरे दुपट्टे से ये मैच कर जाए. दोनों आँखों पर मैं सेम प्रोसेस को रिपीट करूँगी.
उसके बाद लोअर वाटर लाइन पे लगाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लैक काजल। आप चाहें तो सिर्फ ब्लैक भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा जाऊँगी यहाँ पे। ब्लैक लगाने के बाद मैं इसके ऊपर एक कोट लगाऊंगी वही ग्रीन वाले आईलाइनर का जो मैंने ऊपर लगाया है, जिससे कि ब्लैक और ग्रीन मिक्स होकर एकदम ब्राइट चमकता हुआ ग्रीन भी नहीं लगेगा दूर से, एंड एट द सेम टाइम थोड़ा सा टील सी ग्रीन कलर का शेड भी आ जाएगा, तो इससे एक इफेक्ट बहुत ही ड्रामेटिक आ जाएगा मेरी आइज़ पे। फिर मैं जो मैंने लाइट ब्राउन शेड यूज़ किया था आई शेडो के लिए, उसी को यूज़ करते हुए ऐसे अपने यू नो वाटर लाइन को सिक्योर कर रही हूँ, ताकि अगर आपकी वाटरी आइज़ वगैरह हो जाए तो आपका जो आई मेकअप है वो शेप में रहे। उसके बाद भले आप फॉल्स आई लैशेज लगाएं या नहीं लगाएं, लेकिन मस्कारा लगाना इज़ अ मस्ट, तो मैं मस्कारा लगा रही हूँ। और उसके बाद मेरे जो वॉन्ड पे लेफ्ट ओवर प्रोडक्ट है, बिना उसे फर्दर डिप किए अपनी आईब्रोज़ को भी मैं इसी से शेप अप कर लूँगी। ये स्टेप होने के बाद मैं अपने मेकअप को सेट करूँगी अपने मैट मैजिक कॉम्पैक्ट पाउडर से, और ये करना इसलिए ज़रूरी है ताकि पसीने वगैरह की वजह से आपका मेकअप जो है क्रीज अवे ना कर जाए। उसके बाद मेरा ऑल टाइम फेवरेट ब्लू हेवन का डायमंड ब्लश ऑन यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज ये कॉन्टोरिंग कम ब्लश कम हाइलाइटर कम ब्रॉन्जर एवरीथिंग एट वंस है, तो बिगिनर्स के लिए ये चीज़ काफ़ी सही है। लेकिन फिर भी अगर आप कॉन्टोरिंग वगैरह करना चाहते हैं तो आप कॉन्टोरिंग स्टिक यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं है आपके पास तो आप कोई भी लाइट ब्राउन या न्यूट कलर की लिपस्टिक भी यूज़ कर सकते हैं, आप अपने आई शेडो पैलेट में से भी ब्राउन कलर यूज़ कर सकते हैं, कंप्लीटली अप टू यू। तो मैं इस ब्लश ऑन से ही अपना सारा काम आज करने वाली हूँ। उसके बाद अगर आपके पास हाइलाइटिंग ब्रिक है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास हाइलाइटर नहीं भी है तो हर आई शेडो पैलेट में एक बहुत ही लाइट क्रीम कलर का ग्लिटरी सा शेड ज़रूर होता है, आप उसको अपनी ब्लेंडिंग ब्रश पे पिक कर लीजिए, और जैसे मैं लगा रही हूँ चीक बोन्स के पास, नोज़ के पास, क्यूपिड्स बो पे, चिन पे, जो यूजुअल प्लेसेस आप हाईलाइट करना चाहते हैं वहाँ पर आप लेकर इसको लगा सकते हैं। For lipstick, I'm going in with Maybelline Creamy Matte 657 Nude Nuisance Shade. It's a very gorgeous nude colored coffee shade that matches all kind of complexions. अगर आप dark हैं, fair हैं, सब पे ये अच्छा लगेगा, और क्योंकि eyes पे हमने थोड़ा सा goldenish you know tinge दिया है, इसलिए lips हम थोड़े subtle रखेंगे, इसलिए मैं dark colors नहीं use कर रही हूँ। उसके बाद obviously हम accessorize करेंगे, बालों को comb करेंगे, अपना दुपट्टा ले लेंगे और हमारी final look complete कर लेंगे। फाइनली फिर मुझे लगा बिंदी के बिना एक इंडियन फेस्टिवल अधूरा है। आप ऑब्वियसली कोई गोल्डन या ब्लैक कलर की बिंदी यूज़ कर सकते हैं, मैं हमेशा की तरह शॉर्टकट करके अपने आईलाइनर से बिंदी लगा रही हूँ, एंड दिस इज़ माय फाइनल लुक। आई होप यू गाइज लाइक्ड इट, एंड फर्दर यू कैन ऑल्सो लेट मी नो इन कॉमेंट सेक्शन बिलो, डू लेट मी नो हाउ डिड यू फाइंड इट। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई रियली होप आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत यूजफुल लगा हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को छोटा सा लाइक जरूर करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। एंड विद दैट सेड आई विल टेक योर लीव गाइज, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी सेफ एंड प्रोस्पेरस दिवाली दिस ईयर, प्लीज एंजॉय इट विद ऑल योर लव्ड वंस विद ऑल योर हार्ट, एंड आई विल मीट यू वेरी सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू गाइज प्लीज टेक केयर, यू नो आई लव you very much. Stay blessed, stay happy, and stay beautiful.